हेलो गाइस, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं द म्यूटेंट निक वॉकर के साथ। एंड निक एक एब्सोल्यूट म्यूटेंट लग रहे हैं अपनी इन अपडेट्स में, अपने नाम को और अपनी हाइप को टोटली अलाइव रखते हुए। एंड आई थिंक दिस इज़ बाई फार द बेस्ट अपडेट ऑफ निक वॉकर। निक वॉकर की एक इनसेन, एक बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव अपडेट है ये। मेरा कोई प्लान नहीं था निक को आज के अपडेट्स में कवर करने का, बट वन आई सॉ दिस अपडेट इंस्टा पर स्क्रॉल करते हुए आई वॉज लाइक ओके मैन, निक वॉकर दिस इज। लुक एट हिम गाइज, नाउ हेटर्स तो हर किसी के होते हैं एंड हेटर्स गुना हेट, बट निक इज लुकिंग रिडिकुलस इन दिस अपडेट। लेग्स थिकर लग रहे हैं, टाइटर लग रहे हैं एंड अपर बॉडी भी बिगर, वाइडर एंड साथ ही डैम एस्थेटिक निक इस पोस्ट में लग रहे हैं। आई थिंक काफी टाइम बाद निक की एक काफी इंप्रेसिव अपडेट हमें मिली है। वो कहते हैं ना लीनर एंड मीनर, इस बार निक ऐसे ही कुछ स्टेज पर अपियर होने वाले हैं। बाई गॉड, निक की अगर हाइट होती तो डेफिनेटली हल्क का कैरेक्टर निक को ही मिल जाता, जिस तरह से ही गेट्स फुलर एंड बिगर। निक इज जस्ट 5 feet 7 inches गाइज, एंड निक ने अभी एक रीसेंट पॉडकास्ट में बोला भी था कि इस बार वो स्टेज पर 265 pounds के आसपास होंगे, विच इज अगर मैं सही याद करूं तो 7 से 8 pounds हैवियर है निक की लास्ट मिस्टर ओलंपिया अपीयरेंस से। जस्ट इमेजिन गाइस, रॉनी कॉलमैन स्टेज पर 280 pounds पे होते थे एंड रॉनी कॉलमैन की हाइट 5 feet 11 inches थी, बट निक इज लाइक व्हाट 4 inches स्मॉलर एंड साथ ही 265 pounds। तो अगर निक अपनी वही कंडीशनिंग ले आते हैं 265 pounds पर पील आ जाते हैं, ये एक फ्रीकी, बहुत ही फ्रीकी वर्जन होगा निक वॉकर का गाइस। तो आर्नोल्ड क्लासिक में निक वे कर रहे थे 250 pounds के आसपास, तो जस्ट इमेजिन आर्नोल्ड क्लासिक वाली कंडीशनिंग ऑन 265 pounds। निक एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस बार के टाइटल के लिए, अगर डेरेक स्लिप करते हैं थोड़ा सा भी, क्योंकि डेरेक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एज फार एज द अपडेट्स को, बट डेरेक, हार्डी, निक, ये तीनों ही गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। एंड डायरेक्ट तक गाइस कंडीशनिंग और सेपरेशन में लैग कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो हार्डी के पास है मसल मैच्योरिटी, कंडीशनिंग और मसल हार्डनेस, बट हार्डी डायरेक्ट जैसे एस्थेटिक शेप और निक जैसे फ्रीकी साइज, फ्रीक फैक्टर लैग करते हैं। वहीं डायरेक की बात करें तो डायरेक के पास है इनसीन शेप, एक ऐसा शेप जो पहले नहीं देखा गया, बट डायरेक हार्डी चुपन जैसी मसल मैच्योरिटी, मसल हार्डनेस और निक वाला फ्रीक फैक्टर, और जैसी सेपरेशन निक लेकर आते हैं वो लैग करते हैं। वही निक के पास है फ्रीकिश मसल्स और इनसेनली कंडीशन आने की कंसिस्टेंसी, बट निक डायरेक वाला शेप और हार्डी वाली हार्डनेस काफी हद तक लैग करते हैं। तो तीनों ही गाइस अपनी अपनी स्ट्रेंथ के साथ हैं और तीनों की ही स्ट्रेंथ एक दूसरे से बहुत अलग हैं, जो एक के पास है वो दूसरे के पास नहीं है, और इसके बावजूद भी गाइस ऑल थ्री आर इनसेनली गुड, एंड इसीलिए ये टाइटल इन तीनों में से किसी का भी हो सकता है। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपडेट है हमारे पास उर्स कैल्सिंस की, यानी कि द मिरेकल बियर की, उर्स कैल्सिंस की। हर बार से और साइज का फीडबैक सुन सुनकर उर्स ने इस साल इतना साइज पैक ऑन कर लिया कि मैन ऐसा लग रहा है कि उर्स के लिए इस पॉइंट से वेट कट करके क्लासिक के वेट कैप तक पहुंचना इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। वो तो अब गाइस 5 से 7 pounds का जो बफर मिल गया है उर्स को, उससे फायदा पहुंचेगा उर्स को, वरना इस डेंस मसल के साथ जैसा आप देख रहे हो मैन, उर्स के लिए एक इम्पॉसिबल सी चीज हो जाती वेट कैप हिट करना। बाकी अपने इस रीसेंट वीडियो में उर्स हमें चेस्ट ट्रेन करते हुए दिखाई दिए, एंड लुक एट हिम हियर, उर्स के चेस्ट की डेवलपमेंट, उर्स के पैक्स कितने बिगर एंड थिकर हो गए हैं, स्पेशली अपर चेस्ट गाइस। अपर चेस्ट में तो जो कॉलर का सेपरेशन बन रहा है थिकनेस के साथ, दैट इज इनसेन। उर्स इस बार पहले जैसे नहीं आएंगे स्टेज पर, और इस एडिट साइज के साथ अपनी वही टॉप नॉच कंडीशनिंग उर्स अगर ले आए तो हु नोज, उर्स रमाउंड के लिए भी खतरा हो सकते हैं, क्योंकि एक बात पर तो आप सभी अग्री करोगे कि उसका फ्रेम रमाउंड से ज्यादा क्लासिक है, और उसकी पोजिंग भी रमाउंड से कहीं बेटर है। कंडीशनिंग का मार्क भी हम उर्स को कभी मिस करते हुए नहीं देखते। देखना तो इस बार उर्स और टेरेंस का एक मैचअप है, और आई थिंक इनका एक कंपैरिजन मैंने नहीं बनाया है, राइट? हाँ, बहुत टाइम हो गया, मैं मानता हूँ कंपैरिजन वीडियो बनाए हुए। सो अब ये देखिए उर्स के टॉप 5 के पिक्स ओपन डिवीजन के लिए, डेरेक, सैमसन, निक, हार्डी एंड एंड्रयू। सो हार्डी को सीधे उसने 4th पर भेज दिया इस साल, इंटरेस्टिंग। वेल एनीवेज, बहुत जल्दी स्टार्ट करता हूँ गाइस कंपैरिजन वीडियोस भी बनाना, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस मुझे दे रहे हो। वैसे टेरेंस और उर्स में से इस बार मिस्टर ओलंपिया में कौन ऊपर प्लेस करेगा, ये चीज कमेंट्स में आप अपने अकॉर्डिंग मुझे जरूर बताओ, क्योंकि इतना तो पक्का है कि इन दोनों का ही कॉल आउट हमें इस साल डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट अपडेट है ब्रैंडन हेंड्रिक्सन की, जो लास्ट टाइम हमें मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर दिखने वाले हैं इस साल। जी हाँ गाइस, ये ब्रैंडन का लास्ट ईयर होगा, एंड ही विल रिटायर आफ्टर दिस ईयर। और कहते हैं ना, व्हेन इट्स योर लास्ट चांस गिव इट ऑल, वही चीज ब्रैंडन कर भी रहे हैं, क्योंकि 12 वीक्स आउट में ब्रैंडन इज लुकिंग दिस इनसेन। दिस डाइल्ड इन, दिस इज क्रेजी गाइस, इस लेवल की कंडीशनिंग और श्रेड्स। अभी आप जेरेमी को मिला लो या इवन एरिन बैंक्स को मिला लो इस कंडीशनिंग से, इवन एरिन बैंक्स भी अभी रेडी नहीं होंगे जैसे ब्रैंडन लग रहे हैं। ब्रैंडन तो जेरेमी पॉटविन से भी ज्यादा शार्प लग रहे हैं, जबकि जेरेमी पॉटविन ने रिसेंटली शो करा है। सो इवन तो लंबे टाइम तक इसे मेंटेन करना इज डेंजरस और काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, बट ब्रैंडन साथ ही हमें एक क्रेजी इंटेंसिटी से ट्रेन करते हुए भी दिख रहे हैं। ब्रैंडन इज डेफिनेटली गिविंग इट ऑल कंसिडरिंग इट्स हिज लास्ट शॉट। ब्रैंडन वापस से उस टाइटल को अपने पास लाना चाहते हैं, ब्रैंडन जेरेमी से टाई करना चाहते हैं बाय विनिंग 4 titles, एंड इस सबसे भी बढ़कर ब्रैंडन चाहते हैं एरिन बैंक्स को डिफीट करना, और इस चीज के लिए आपको इनसेन लेवल तक खुद को पुश
करना होगा। बार ही कुछ ऐसा सेट कर दिया है एरिन ने। वेल ब्रैंडन की ये वाली अपडेट तो अब तक की सबसे इंप्रेसिव है एंड सीम्स लाइक वी आर गोइंग टू विटनेस द बेस्ट ब्रैंडन हेंडरसन दिस ईयर। ब्रैंडन जाते जाते अपना बेस्ट देगा, हमें अपना सबसे बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करेंगे इस साल के मिस्टर ओलंपिया में। अब नेक्स्ट बात करते हैं रीगन ग्राइम्स की, और रीगन ने जो ये लेटेस्ट पोस्ट इंस्टा पर अपलोड करा है, इनमें सबसे पहले अगर बैक की बात करें गाइस, तो रीगन ग्राइम्स के बैक पोजेस हमेशा से ही अमेजिंग रहे हैं। इस बार तो रीगन ने जो थिकनेस और भी ज्यादा ऐड कर ली अपनी बैक में, उससे ये पोज और भी ज्यादा एक एस्थेटिक अपील और भी कम्पेटिटिव एड दे रहा है रीगन को। बट टॉप टू बॉटम रीगन का बैक पोज आप देखोगे तो बहुत ही बैलेंस्ड है, लोअर बॉडी भी थोड़ी सी भी लैक नहीं कर रही। नाउ फ्रंट पोज की बात करते हैं, तो रीगन के आर्म्स आप देखोगे तो आपको क्लियरली वो एडिट साइज दिख जाएगा, वो फुलनेस, वो एडिट मसल। चेस्ट की तरफ अगर आप देखोगे तो देखो कैसे फ्रंट डबल बाइसेप्स पोज में व्हेन यू आर नॉट फ्लेक्सिंग योर चेस्ट, बल्कि आप एक तरह से चेस्ट को पुल कर रहे हो तो टू हिट द पोज। इवन देन गाइस आप रीगन के चेस्ट की थिकनेस देख सकते हो, कैसे कंप्लीट थिक पैक्स इवन इस पोज में भी अपियर हो रहे हैं। रीगन का एक कंप्लीट एक्स फ्रेम लग रहा है गाइस, क्योंकि कॉर्ड्स भी ग्रेटली डेवलप्ड हैं और लैट्स, मैन लैट्स देखें कैसे कमिंग आउट। रीगन इस वक्त काफी कॉन्फिडेंट अपीयर हो रहे हैं, और सेम ही रीगन के कोच माइलोस भी, जिन्होंने अभी रिसेंटली ऐसा शो करा है अपनी लास्ट अपडेट्स में कि रीगन अपना बेस्ट वर्जन स्टेज पर लाने वाले हैं इन लेस देन 4 वीक्स इन इटली प्रो। और हम भी यही चाहते हैं गाइस कि रीगन पर जो इतने क्वेश्चंस उठे हैं उन सब पर रीगन अंकुश लगाएं विद विनिंग इटली प्रो। और नेक्स्ट अपडेट है जेम्स हॉलिंगसेट की, जो इस साल कम्पीट नहीं कर रहे हैं, और जेम्स ने एक बहुत ही बड़ा चेंज अपने बॉडी बिल्डिंग करियर के लिए करा है। जेम्स ने कोच चेंज करके हायर कर लिया है माइलोस को, माइलोस साचेव, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी एक रीसेंट पॉडकास्ट में जेम्स ने यह भी कंफर्म कराएगा इसकी माइलोस उनकी हेल्प कर रहे हैं अब नेक्स्ट ईयर के आर्नोल्ड क्लासिक के लिए रेडी होने में। तो इट मींस जेम्स नेक्स्ट ईयर हमें जब स्टेज पर दिखेंगे वो होगा आर्नोल्ड क्लासिक 2024। सो गाइस माइलोस को हायर कर लिया, जो आर्नोल्ड क्लासिक के लिए हेल्प कर रहे हैं 2024 के, जो होता है मिस्टर ओलंपिया के 2.5 से 3 महीने बाद। तो अभी से अगर लगा लें तो अप्रॉक्स 6 महीने हैं, एंड इन लेटेस्ट अपडेट्स में जेम्स 290 पाउंड्स के आसपास हैं, और साथ ही अच्छा फ्रेम फिल्ड आउट लग रहा है। बट जेम्स इज अ टॉलर बॉडी बिल्डर, एंड इसीलिए जेम्स को अभी भी और मसल मास अपने फ्रेम पर ऐड करनी चाहिए टू फिल आउट इवन मोर। एंड जब टाइम ऑफ लिया ही है तो क्यों नहीं गाइस। वैसे माइलोस इज अ ग्रेट कोच, एंड वो काफी अच्छे से जेम्स के साथ उनके गोल्स के लिए वर्क करेंगे। माइलोस इज वेरी डेडिकेटेड टू हिज क्लाइंट्स, एंड जेम्स मैन इनके लिए एक वाइकिंग वाली फीलिंग आती है, टॉल स्ट्रांग एंड बिग, सारे वाइकिंग्स वाले एस्पेक्ट इनके फिजिक में अपियर करते हैं। एंड इनका शेप भी इवन है 290 पाउंड्स गाइस, कोई ऐसा मेस्ड अप नहीं लग रहा है, अपना टेपर अपने एस्थेटिक्स इन्होंने बनाए रखे हैं। एंड इसीलिए गाइस जेम्स अगर 10-12 पाउंड्स और ऐड कर लें और उसके बाद प्रेप करें शेडेड होने के लिए, तो एक बहुत ही अमेजिंग पैकेज होगा जेम्स का। और आज की लास्ट अपडेट है जेरेमी पॉटविन की, जेरेमी पॉटविन जो कि इस अपडेट में वही अपनी सिग्नेचर टाइनी वेस्ट, बल्कि मुझे कहना चाहिए कार्टूनिश वेस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं विद एन इनसेन शोल्डर टू वेस्ट रेशियो, बहुत ही इनसेन। ये अभी भी पूरी तरह से पील्ड है, इनको कोई बताओ यार कि मिस्टर ओलंपिया अभी नहीं बल्कि 12 वीक्स बाद है। 12 वीक्स गाइस, अब ये यहां से क्या प्रेप करेंगे इस पॉइंट से, एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल पील्ड और ड्राई है ये अभी से ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट ईयर इफ यू रिमेंबर उर्स कैल्सेंस की रेडी थे पहले से ही, मिस्टर ओलंपिया के 6-7 वीक पहले से ही शेडेड होकर बैठ गए थे और मिस्टर ओलंपिया तक उसे मेंटेन कर रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आपकी मसल मास सैक्रिफाइस होने लग जाती है, प्लस एनर्जी लेवल्स भी आपके बहुत ज्यादा डाउन होने लग जाते हैं, क्योंकि आप गाइस इस इनसेन स्टेट में लंबे टाइम तक रहते हो। टू कीप इट इंटैक्ट आपके एनर्जी लेवल कॉन्स्टेंटली डाउन होते रहते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड। सो एनीवेज जेरेमी यहां पर इस अपडेट में बोल रहे हैं कि 12 वीक्स हैं हर एक चीज को एक साथ लाने में, और उनका फोकस है इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करने पर, और इसीलिए फूड इनटेक थोड़ा सा उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, जिसमें कार्ब्स वो ले रहे हैं 400 ग्राम्स, वो भी लो डेज पर। तो मैन जैसा कि मैं बोल रहा था, आई एम ग्लैड कि जेरेमी वैसा नहीं कर रहा है, और जेरेमी ने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया है कि अपना फूड इनटेक उन्होंने बढ़ा दिया है, साथ ही ट्रेनिंग की इंटेंसिटी और अपने वर्कआउट्स को इम्प्रूव करने के लिए कार्ब इनटेक भी सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया है। 400 ग्राम्स कार्ब्स मतलब 1600 कैलोरी सिर्फ कार्ब से ही, वो भी लो डेज में। तो ऐसे ही जब इन्हें हैवी ट्रेन करना होता होगा सो ये और भी थोड़ा बढ़ा देते होंगे। सो ऑल इन ऑल आई थिंक जेरेमी कम से कम गाइस 2600 से 2800 कैलोरीज अभी भी कंज्यूम करने को टारगेट कर रहे हैं, विच इज अ ग्रेट अप्रोच, स्पेशली जब इतना टाइम हो मिस्टर ओलंपिया में। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय।